अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी शेयर करूंगी, ऐसी रेसिपी जो हमारे नाश्ते के लिए बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आज हम बनाएंगे बलदार पराठे और मैं आपको बनाना सिखाती हूँ किस तरह से बलदार पराठे बनाए जाते हैं। उसके लिए हमें ये ऑयल या घी, जो चीज़ भी आप पसंद करते हैं आप वो ही लगा सकते हैं। अमूमन देसी घी के पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे और ख़स्ता बनते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त देसी घी नहीं है तो मैं ये पराठे ऑयल से बनाऊंगी। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आटे का पेड़ा लेते हैं। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये आटे का पेड़ा ले लिया है। अब हम इसको अच्छे से बेल लेते हैं। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने रोटी को अच्छे से बेल लिया है। अब इस पे मैं ये ऑयल लगा रही हूँ। ये विंटर की ऐसी रेसिपी है जो आप सर्दियों में रोज़ बना बना के भी खाएं तो हम इसे उकताते नहीं हैं। बहुत अच्छा लगता है अंडे पराठे का नाश्ता, या पराठा किसी भी आप सालन के साथ ले सकते हैं, तो ये एक बहुत मज़े वाला नाश्ता होता है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारा ऑयल लगा लिया है पराठे पे। अब हम इसको फोल्ड करते हैं ताकि अच्छे से इसकी लेयर्स बन जाएं। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसलिए प्लीज़ जैसे भी आवाज़ होगी बर्दाश्त कीजिएगा। ये हमने इसके बल तैयार कर लिए हैं, अब हम इसको रोल करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पेड़ा हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसी तरह से सारे पेड़े बना लेंगे और 5 मिनट के लिए उसको रेस्ट पे रख देंगे। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं और यहाँ पे ये इनके बल आप देख सकते हैं कितने शानदार और बिल्कुल प्रोमिनेंट बल हैं इसके। तो अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और उसको बेलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने पेड़े को हल्का सा हाथों की मदद से कर लिया है, अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से हम बड़ी रोटी बना देंगे। आपने जब भी इसको बेलना है बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है ताकि इसके बल जो हैं वो बिल्कुल क्लियर रहें। हमारा तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है और ये हमने थोड़ा सा उस पर ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब हम इस पर अपना पराठा डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसको हल्का सा ऊपर से ऑयल लगा के तो अच्छे से इसको मैंने फ्राई कर लिया है। शानदार किस्म के पराठे रेडी हैं, आप भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे बने हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपको एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।